संदेश यही है कि डेमोक्रेसी को बचाओ, संविधान को बचाओ, कानून के तहत हुकूमत करो। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जब कानून को अगर हाथ में लेंगे तो देश में डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी और किसी को आजादी नहीं रहेगी, ना बोलने की आजादी, ना अपने कहने की आजादी नहीं रहेगी। इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो अदानी आज इतना बड़ा आदमी बन गया है, उसके बारे में सरकार क्यों चुप है कि इल्लीगल तरीके से अपने पैसे कमाए हैं, तो उसके बारे में हम जेपीसी चाहते हैं। राहुल गांधी हैज बीन कन्विक्टेड एंड ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबर ऑफ द लोकसभा। देयरफॉर वी प्रोटेस्टेड, वी हैव प्रोटेस्टेड इट wearing black dress inside the house. House has been adjourned till 4 p.m. We protested before the Honorable Governor submitted a memorandum where all the parties have signed. डेमोक्रेसी के नाम पर जो डिक्टेटरशिप चला रहा है भाजपा सरकार, उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आज सारे 12 पार्टी के लीडर्स, आज हम सब लोग जाके माननीय गवर्नर साहब को आज मेमोरेंडम दिए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देने के लिए, जिसमें हमने लिखा है कि हमारा नेता राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में क्यों बोलने नहीं दिया गया, पार्लियामेंट में काहे को स्टॉल करके उनको बोलने के लिए माइक को भी आप म्यूट कर दिए। जो अदानी के बारे में वो बोलना चाहते थे उसको डाइवर्ट करने के लिए जो कोशिश किया जा रहा है, वो क्यों, क्या रिश्ता है? सॉरी, अदानी के लिए आप लोग जाएंगे दूसरे दूसरे राज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए? ये कैसे हो सकता है? इसीलिए डेमोक्रेसी है कहाँ? एक आदमी जो भारत देश का दो दो प्रधानमंत्री गांधी परिवार का, जो देश का एकता अखंडता के लिए जान कुर्बान किए हैं, उसी का परिवार का हमारा नेता राहुल जी के ऊपर इन लोग इसी तरह देंगे? बोल रहे हैं अगर राहुल गांधी को दबा देंगे तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगा, सवाल ही नहीं है। राहुल गांधी के पीछे सारा उड़ीसा का लोग, गाँव से लेकर राजधानी तक हम सब पीछे खड़े हैं। राहुल गांधी का ऊपर जो अटैक हुआ, ये डेमोक्रेसी का ऊपर एक अटैक है। इसके खिलाफ आज कांग्रेस का नेतृत्व में सीपीआई सीपीएम समाजवादी पार्टी आरजेडी सीपीआई एमएल समृद्ध ओडिशा आरपीआई एनसीपी फॉरवर्ड ब्लॉक सारी दल एकठा होके माननीय राज्यपाल को एक मेमोरेंडम देना होगा। माननीय राष्ट्रपति को हमारा अपील है कि ये अटैक राहुल गांधी का ऊपर जो है, ये गणतंत्र का ऊपर अटैक है, इनको तुरंत रद्द करना चाहिए, वही है हमारा मांग। Thank you.